जानता। देश हो या फिर विदेश, सभी जगह इनके नाम का डंका बजता है। आज इनकी गिनती विश्व के ताकतवर नेताओं में होती है। इनके व्यक्तित्व की वजह से ही महागठबंधन ने ऐलान किया कि अगली लोकसभा चुनाव की लड़ाई मोदी और विपक्ष में है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा कि 2019 में चुनावी मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मोदी होंगे। विपक्ष की ये बात कुछ पल के लिए लॉजिकल हो सकती है, क्योंकि मोदी अब तक के ताकतवर प्रधानमंत्री में से एक है। पर मोदी सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी चुनावी मुद्दा बन गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में 25 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पाकिस्तानी मुद्दे से भी ज्यादा मोदी छाए हुए हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का पाकिस्तान पर कड़ा रुख रहा है। मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है कि आतंकियों पर कड़ी कार्यवाही करो। मोदी राज में ही सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर इतना गहरा जख्म पाकिस्तान को दिया कि वो शायद ही कभी भरेगा। बस सभी पाकिस्तानी पार्टी इसी बात का लाभ उठा रही है। पाकिस्तानी नेता इमरान खान ने कहा, नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान विरोधी एक बहुत ही आक्रामक हाव भाव है। नवाज शरीफ ने दोनों देशों के रिश्ते को सुधारने की काफी कोशिश की, लेकिन मोदी की पाकिस्तान विरोधी नीतियों की वजह से दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते और भी कड़वे होते जा रहे हैं। ये मोदी ही है जिनकी वजह से पाकिस्तान विश्व के देशों से अलग थलग हो रहा है। वही आतंकी हाफिज सईद ने कहा कि पाक राजनेता मोदी के हाथों की कठपुतली है, वो जैसे नचाते हैं पाकिस्तान नाचता है। इसके साथ ही कोरी चेतावनी दी है कि मेरे रहते मोदी को कोई खतरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई भी उनके चुनावी भाषण को सुन ले तो यही सोचेगा कि जैसे मोदी भी पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान आतंकियों का समर्थन करता है। दुनिया के कई बड़े देश पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे चुके हैं। पाक दुनिया से अलग थलग मोदी के प्रयासों से ही हुआ है। मोदी पाकिस्तान की दुख की रख है। बस पाकिस्तानी नेता इसी बात का लाभ उठा, जनता के बीच जाकर उसी नब्ज को दबा रहे हैं ताकि देशभक्ति में आकर जनता उन्हें समर्थन कर दे।